नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजर एस के शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए बहुत से उपाय और टोटके लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो इंसानों के बीच में कड़वाहट पैदा करने के उपाय और टोटके के बारे में। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करके रख देते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे दो इंसानों के बीच में दूरी पैदा करने के या फिर कड़वाहट पैदा करने के उपाय के बारे में। दो लोगों के बीच दूरी पैदा करना, चाहे वह प्रेमी प्रेमिका हो, तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे वह आपस में दो दोस्त ही क्यों ना हो, आप इस टोटके के द्वारा जो आज हम आपको बता रहे हैं उसे करने के बाद आप उन दो लोगों को आपस में झगड़ा करवा सकते हैं और उन्हें हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दो लोगों को अलग करने के उपाय के बारे में। आपको सबसे पहले 5 लौंग और 5 इलायची लेनी है। उसके बाद आपको इलायची और लौंग को आपस में पीस देना है और फिर उसके बाद आपको 2 कागज ले लेने हैं। दोनों कागजों पर उन दोनों इंसानों का नाम लिखना है जिसे आप अलग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको जो पीसा हुआ है इलायची और लौंग को जो आपने पीसा है उन्हें अपने दोनों कागजों में रख लेना है। फिर उसके बाद आपको दोनों कागज को अच्छी तरह मुट्ठी बंद करके अपने हाथों में रख लेना है और फिर आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम त्रिपुराय शमशान भैरविमाय भैरवाय मास मात्र मति दिन सर्व शरीर प्रदात्रय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपने 121 बार करना है। मंत्र जाप के बाद आपको दो लोगों को अलग करने के को दो इंसानों को अलग करने के लिए अपने मन में सोचना है और फिर आपको इस पूरे उपाय को आपने शनिवार की रात को ही करना है। फिर अगले दिन आपको रविवार की सुबह उठकर इन दोनों कागजों को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर किसी चौराहे में जाकर इनको फाड़ देना है और चुपचाप अपने घर वापस आ जाना है। थोड़े ही टाइम में आप देखेंगे कि उन दोनों इंसानों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा और वह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आए तो आप इस उपाय को हमारे एस्ट्रोलॉजर एस के शास्त्री जी से भी करवा सकते हैं। उनसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए, वह आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय माता दी।